आज आखिरी बार जब मैं तुमसे बात कर रहा तो मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता कि मैं अच्छा था कि बुरा, सही था कि गलत। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मैं आजाद नहीं था तो कौन था, क्या नाम, क्या धर्म, क्या जात, क्या मजहब, कहां घर, कौन सा गांव था मेरा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं, मगर आजाद कोई है। मैं मर गया मगर आजाद जिंदा है। मैं कहीं नहीं मगर आजाद हर कहीं, इसलिए कि वो आजाद जो कल तक सिर्फ एक झूठी खबर थी, वो आजाद जिसे गोकुल दास ने अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहा, वो आजाद जिसे कई नेताओं ने अपने कामयाबी की सीढ़ी समझा, वो आजाद जिसे तालचंद ने अपने रास्ते का कांटा और राम भाव, अनवर और रंग्यालम ने सुख दुख का साथी माना, वो आजाद अब किसी एक इंसान का नाम नहीं, एक चेतना, एक उम्मीद, एक सपने का नाम। सपना की दुनिया में भूख ना, गरीबी ना, बीमारी ना हो, नफरत ना। और हर वो इंसान जिसके पास ये सपना है वो आजाद। तुम आजाद, तुम आजाद हो, और तुम आजाद। मैं मर गया कोई बात, तो मेरे मरने का गम ना करना। मर गया मर गया, मैं तो कौन जाने अच्छा था कि बुरा था, इसलिए कि वो लोग जिन्होंने पहले तुमसे ये कहा कि मैं अच्छा और फिर ये कहा कि मैं बुरा, उन्हें मुझसे कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं थी। उन्हें दुश्मनी थी तो मेरे अंदर जाग उठे आजाद से, वो उस आजाद को मारना चाहते थे, वो तुम्हारे अंदर के आजाद को भी मारना चाहते हैं, मगर तुम उसे मरने ना देना। नहीं, कहो और पुकार कर कहो कि मैं आजाद हूं उन सारी नफरतों के अंधेरों से जो इंसान को इंसान से अलग करते हैं। कहो कि मैं आजाद हूं उन बंदिशों और जंजीरों से जो इंसान को इंसान का गुलाम बनाती है। और बता दो इन लोगों को कि अब किसी एक इंसान के मरने से आजाद नहीं मर सकता, आजाद नहीं मर सकता। तो मुझे भूल जाना मगर आजाद को याद रखना, और याद रखना उसके इस पैगाम को कि इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब जब खेले हम जी जान से।